किसी को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराया था, अब वो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उस घर में डेथ हो गई। सिलेंडर वापस आया, उसमें हमको धन्यवाद लिखा हुआ एक पर्ची आई और साथ में एक लिफाफा था। उस घर ने हमको 25,000 रुपये भेज रखे थे कि किसी और की जान बचाने की कोशिश करो। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, फल की चिंता न कीजिए। इस वैश्विक महामारी के बीच इंसान के काम आना ही इंसान का परम धर्म है। इंसानियत के बीच फल की कैसी चिंता। उत्तराखंड में भी एक चेहरा ऐसा है जो न जाने कितने लंबे वक्त से इंसानों के ही काम आ रहा है। वो कर्नल है, प्यार से लोग उन्हें कर्नल ही बुलाते हैं। पूरा नाम है कर्नल अजय कोठियाल। उत्तराखंड में 8,000 से ज्यादा युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने वाला ये शख्स, राह भटके युवाओं को सेना भर्ती का रास्ता दिखाने वाला जांबाज, वो जांबाज आज भी इंसानियत के लिए लड़ रहा है। इस कोरोना महामारी में कर्नल कोठियाल और उनकी टीम 90 से ज्यादा परिवारों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा चुकी है। लेकिन अब एक बड़ा काम हुआ है, जिंदगी से जूझते इंसान को सहारा देने के लिए एक नेक काम हुआ है। देहरादून में 20 बेड का अस्पताल कर्नल कोठियाल और उनके यूथ फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत बेहद अनुशासित तरीके से हुई, खुद कर्नल से सुन लीजिए। एक मेरा दोस्त है डॉक्टर हरीश बसेरा, यहाँ पे दून हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर है। उसने मेरे को बोला कि मेरे पास 20 बेड को लगाने के लिए एक अच्छी जो हॉस्पिटल टाइप व्यवस्था है वो अवेलेबल है। हमने भागा दौड़ी करी, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने अरेंज कर लिए, 5 और हो रहे हैं, रेगुलेटर अरेंज कर लिए, उसके बाद में हमने वहाँ पे बेड लगाने की व्यवस्था कर दी। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये मेडिकल इक्विपमेंट तो हो जाता है, इसको सिलेंडर को रीफिल कैसे करना है वो प्रोसेस भी हमने कर ली, यहाँ पे जगहों पे जाकर के जहाँ पे रिफिल हो रहा है और वो सिस्टम को देख करके कैसे करा जाए। कहते हैं कि टूटती उम्मीदों के बीच थोड़ा सा भी हौसला काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ यूथ फाउंडेशन ने कर दिखाया। एक छोटा सा आर्मी टाइप हॉस्पिटल तो तैयार हुआ, लेकिन अब ज़रूरत थी डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स कहाँ से लाएं? लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म अच्छे कीजिए, कर्मवीर लोग आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। फिर हम डॉक्टर्स से मिले, यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, मोटिवेटेड है और इस कॉज में सब इन्वॉल्व होना चाहते हैं। सबने बड़ा पॉजिटिव तरीके से एक जॉइंट एफर्ट को बनाने के लिए हमारे को सपोर्ट करा। यहाँ मरीजों का मनोबल टूटने नहीं दिया जाएगा, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम आपको सलाह देती रहेगी। केदारनाथ और म्यांमार में काम कर चुके बुलंद हौसलों वाले नौजवान आपका हौसला बढ़ाएंगे। कोशिश रहेगी कि सांसों की डोर को टूटने न दिया जाए। अगर पेशेंट आता है तो पहले तो उसको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है या खाली आइसोलेशन की तो आइसोलेशन में रखा जाएगा, ज़रूरत है ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। उसके बाद जो ज़रूरत होती है एक मोटिवेटेड टीम की ये करने के लिए, वो यूथ फाउंडेशन के हमारे लड़के हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं माउंटेनियरिंग में, केदारनाथ में, बर्मा में, मेडिकल में कोई ना कोई काम करा है। इंसानियत जिंदा रहे, मानव जाति का कल्याण हो, सद्भावना का संचार हो, शायद इन्हीं हौसलों के साथ कर्नल ने एक नेक काम शुरू किया है। और सभी से अपील की है कि आइए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, महामारी के इस दंश के बीच मानवता की रक्षा करते हैं। जय हिंद।